अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़िगज़ैग थोरचे। हम इस वक्त थोरचे पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, चढ़ाई भी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचते हैं, ये पीछे देखें, ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह स्नैक चलता है, तो ये थोरचे गांव का ये ज़िगज़ैग इंतहाई शानदार है। और मैं आपको थोड़ा सा सराउंडिंग दिखा दूं कि ये मेडोज़ टाइप भी है, गांव भी है और लश ग्रीन है। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से व्यू दिखा रहा हूं, आपको इसका रेयर कैमरे से भी मैं व्यू दिखाता हूं। चलें आगे चलते हैं और आपको रेयर कैमरे से इसका व्यू दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये पानी की आबशार जो ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, ये है इंतहाई वसीम जदीन जगह है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं थोरचे ज़िगज़ैग मेडोज़ पे और ये मेरे साथ यहाँ के गेस्ट ओनर हैं साजिद इकबाल भाई। उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि यहाँ पर सियाहों के लिए क्या सहूलियात हैं या सियाहों को ये क्या सजेशन देना चाहेंगे रास्ते के बारे में। यहाँ कौन कौन सी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ ये रह कर देख सकते हैं। जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, सियाहों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप पूरा पाकिस्तान चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ बिना वीडियोस आके इस सीन वैली का आगे प्रमोट करना। और ये आप देख सकते हैं नीचे सिक्सक वैली है, पॉइंट अच्छी आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। ये सिक्सक वैली हो गया, नीचे व्यू पॉइंट लेक वाटरफॉल, यहाँ से थोड़ा आगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जब आप ट्रैक करेंगे। तो आप तो नीचे से ट्रैक करके आए हैं शुद पुल से, तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी हमारा अपना गेस्ट हाउस है और खाना यहाँ के लोकल डिशेस वगैरह या अच्छे फैसिलिटीज के साथ रूम्स और क्लीनिंग रूम्स आपको मैसर हुई। ठीक जी, ये साजिद भाई का कहना ये है कि यहाँ पर आने वाले सियाहों को हर किस्म की सहूलियात मयसर हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को देख सकते हैं। साजिद भाई का जो पर्सनल नंबर है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर आना चाहें तो पहले रब्ता करके यहाँ की मालूमात ले सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूँगा।